शांति। बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। वेलकम बैक टू लाडो भाई ब्लॉग्स। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे लौकी के कोफ्ते की सब्जी का रेसिपी, वो भी बिना क्रीम प्याज लहसुन के। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कोफ्ते से। प्लीज़ चैनल को में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम मोटिवेट हो और नई जानकारी आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। कोफ्ते के लिए हम लेंगे लौकी, वो भी हम घस कर रेडी कर लिए हैं। इसमें हम ऐड करेंगे अजवाइन, सौंफ, थोड़ा काला जीरा, थोड़ा गरम मसाला और नमक। आप चाहे तो इसमें लाल मिर्च पाउडर, कच्चा मिर्च का पेस्ट भी मिला सकते हैं। हमारे यहाँ थोड़ा कम मसालेदार सब्जी पसंद है, इसलिए डेली का खाने में इसलिए हम कम मिर्च यूज़ करते हैं। अब इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले एक बराबर मिल जाए। अब एक तरफ हम कढ़ाई में तेल गरम होने रख देंगे। अब हम एक बर्तन लेंगे, उसमें थोड़ा सा वो लौकी वाला घसा हुआ जो हमने मिक्सचर रेडी किया था लेंगे। उसमें धीरे धीरे करके बेसन मिलाएंगे और एक फ्लैट बॉल तैयार करेंगे। अब इस तरह फ्लैट बॉल्स बनाकर हम गरम तेल में डालते जाएंगे। गैस का आंच एकदम कम रखना है। धीरे धीरे घुमाते हुए इसे दोनों तरफ से लाल करके पका लेना है। अगर गैस तेज रहेगा तो कोफ्ते ऊपर से तो लाल हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चा रहेगा, इसलिए इसे धीमी आंच में सेकना है। अब इसे हम लाल होने तक, लाल जब हो जाए तब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। कोफ्ते सॉफ्ट रहें और ज़्यादा तेल खाने में ना लगे, इसलिए जब निकालने के बाद इसे हम पानी से धोकर रख लेंगे। इस तरह हम सारे कोफ्ते रेडी कर लेंगे। अब हम रेडी करेंगे कोफ्ते के लिए ग्रेवी। तो इसके लिए हमें चाहिए टमाटर का पेस्ट। आप चाहे तो इसमें लहसुन और प्याज का यूज़ कर सकते हैं इस पेस्ट में। अब हमें चाहिए दही, जो अच्छी तरह छान के हम फेंट कर रेडी कर चुके हैं। आप चाहे तो ये दही जब हम लोग फेंट रहे हैं तब उसमें एक चम्मच बेसन का डाल सकते हैं। इससे क्या हुआ, इससे दही फटता नहीं है। चलिए बनाना स्टार्ट करें। कढ़ाई में तेल लेंगे। तेल गरम हो जाने पर इसमें हम डालेंगे जीरा, काला जीरा और हींग और इसे मिला लेंगे। ये जब चटकने लगे तब इसमें हम टमाटर वाला पेस्ट डाल देंगे और अच्छी तरह मिला मिला कर सेक लेंगे। जब ग्रेवी अच्छी तरह सीख जाए यानी कि तेल छोड़ दे, तब इसमें हम डालेंगे थोड़े से मसाले, नमक, काला नमक, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और गरम मसाला। अब इस मसाले को 5 मिनट्स और सेक लें और फिर थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल देंगे और अच्छी तरह फिर से मिक्स कर लेंगे। देखिए अब ग्रेवी तेल छोड़ दिया है, तब हम डालेंगे इसमें दही। दही डालेंगे, फिर थोड़ा सा दही डालेंगे आगे, फिर मिक्स करेंगे, फिर थोड़ा सा डालेंगे और मिक्स करेंगे। पूरा दही एक बार में ग्रेवी में नहीं डालना है क्योंकि दही फटने के चांसेस हो जाते हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी और अच्छी तरह उबाल आने तक चलाते हुए इसे पका लेंगे। लीजिए रेडी हो गया ग्रेवी। और इसमें हम ऐड करेंगे लास्ट पे थोड़ा धनिया पत्ती, जिससे कि धनिया पत्ती का फ्लेवर पूरे ग्रेवी में अच्छी तरह आ जाए। ग्रेवी देखकर आ रहा है ना मुँह में पानी, हमारी तो भूख ही बढ़ने लग जाती है। अब इस ग्रेवी को हम अलग बड़े कंटेनर में निकाल लेंगे और एक एक करके सारे कोफ्ते इसमें डाल देंगे। कोफ्ते ग्रेवी एब्जॉर्ब कर लेंगे और एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। और फिर लीजिए परोसते हैं इस लौकी के कोफ्ते को। देखने में लाजवाब लग रहा है ना। सर्व कीजिए गर्मा गर्म फल का पराठा या चावल के साथ। होप आपको आज का रेसिपी अच्छा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।
तब तक के लिए ओम शांति।